हेलो नमस्कार। तो आज मैं प्रेग्नेंट फीमेल्स के लिए एक ऐसा वीडियो लेके आई हूँ जो अपनी डिलीवरी के नॉर्मल होने के चांसेस को बढ़ा सकते हैं। तो आज मैं आपको कुछ आसन के बारे में बताऊंगी जिससे आपकी डिलीवरी नॉर्मल होगी। फर्स्ट है उसमें मलासन। मलासन योग का डीप स्कावट है। बहुत ज्यादा बैठने के कारण आपकी कमर में होने वाली जकड़न से भी ये छुटकारा दिलवाता है। ये प्रेगनेंसी को भी आसान बनाता है। प्रेगनेंसी के टाइम फीमेल्स अपने जीवन में सबसे कठिन टाइम्स में होती हैं। हालांकि माँ बनने की का एहसास वो इस परेशानी से भी जूझ लेती हैं। इस टाइम फीमेल्स को तरह तरह की प्रॉब्लम्स भी होने लगती है। तो जिनमें से सबसे कॉमन है उल्टी या फिर मूड स्विंग होना या फिर कॉन्स्टिपेशन भी होना। इनसे छुटकारा के लिए यूं तो डॉक्टर कई दवाइयां भी देते हैं, लेकिन इन दवाइयों का सीधा असर बच्चे के ऊपर पड़ता है। ऐसे में आप कुछ योगासन की मदद से इन परेशानियों से भी छुटकारा पा सकते हैं। प्रेगनेंसी के टाइम आप मलासन कर सकते हैं। इसके आपको बहुत सारे फायदे भी मिलेंगे। इस आसन को करने से आपकी डिलीवरी जो है नॉर्मल होगी। मलासन योग का डीप सकावट है या फिर बहुत ज्यादा आप बैठ रहे हैं उसके कारण आपकी कमर में जकड़न हो रही है, उससे भी आपको छुटकारा दिलवाता है। अगर प्रेग्नेंट लेडीज इस आसन को करेंगी तो ये उनके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होता है। प्रेगनेंसी में मलासन की प्रैक्टिस की जाए तो नॉर्मल डिलीवरी के होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। सेकेंड हम बात करते हैं कोण आसन के बारे में। कोण आसन को करने से आपका रक्त प्रवाह भी बेहतर होता है और कफ भी दूर होता है। चेहरा कांतिमय बनता है और शरीर में भी फुर्ती आती है और पैरों की मांसपेशियों को भी मजबूती मिलती है। फेफड़े भी मजबूत बनते हैं और एक व्यक्ति हर दिन लगभग 20,000 बार सांसें लेता है और हर सांस के साथ जितनी ज्यादा ऑक्सीजन शरीर के अंदर पहुंचती है शरीर उतना ही सेहतमंद बनता है। इसके लिए जरूरी है कि आपके फेफड़े भी स्वस्थ रहें। इसके अलावा कमर बाजू और शरीर के निचले हिस्से में भी मजबूती मिलती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ताड़ासन के बारे में। प्रेगनेंसी के टाइम ताड़ासन से कई सारे फायदे मिलते हैं। इसे करने से रीढ़ की हड्डी मजबूती मिलती है जिससे बैक पेन की प्रॉब्लम से ही भी राहत मिलती है। इतने ही नहीं, इस आसन की मदद से शरीर में सही तरीके से रक्त संचार संचार भी होता है। साथ ही यह हाथों की मांसपेशियों को भी मजबूती देने में काफी फायदेमंद होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बद्ध कोण आसन के बारे में। बद्ध कोण आसन प्रेग्नेंट फीमेल्स को कई तरह से फायदे पहुंचाता है। इसे करने से ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होने के अलावा आपकी थाइज और हिप्स को भी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाने में मदद करता है। अगर आप नॉर्मल डिलीवरी चाहती हैं तो आप बद्ध कोण आसन को कर सकती हैं। यह आसन नॉर्मल डिलीवरी के लिए पेल्विक को खोलने में काफी मदद करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं त्रिकोण आसन के बारे में। त्रिकोण आसन करने से डिलीवरी के टाइम होने वाला दर्द काफी हद तक राहत दिलवाता है। इतना ही नहीं, इस आसन की मदद से आपकी पीठ कमर गर्दन भी काफी मजबूत मिलेगी। साथ ही प्रेगनेंसी में इस आसन को करने से एसिडिटी जैसी समस्याओं से भी आपको छुटकारा मिल सकता है। इस आसन को करने से प्रेग्नेंट फीमेल्स को तनाव से भी छुटकारा मिल सकता है। लास्ट हम बात करते हैं उत्कोण आसन के बारे में। प्रेगनेंसी में उत्कट कोण आसन भी बेहद बेनिफिशियल होता है। इस आसन को करने से प्रेग्नेंट फीमेल को बॉडी वॉल की को भी मजबूती मिलती है। साथ ही पैरों घुटनों एड़ियों और थाई की मांसपेशियों में भी मजबूती होती है। इस आसन के करने से जोड़ों के दर्द और कमर दर्द से भी छुटकारा मिलता है। योग और एक्सरसाइज हमारे स्वास्थ्य और शरीर को कई तरह के फायदे पहुंचाता है। साथ ही इम्यूनिटी बढ़ाने से लेकर कई बीमारियों तक योगासन करने से कई सारे लाभ होते हैं। आम व्यक्ति के लिए योग और वर्कआउट काफ़ी कारगर होते हैं, लेकिन प्रेग्नेंट लेडी के लिए भी योग बहुत ज़्यादा ही फायदेमंद होते हैं। प्रेगनेंसी के टाइम फीमेल्स को कई प्रॉब्लम से जूझना पड़ता है। इन दिनों शरीर में कई सारे हार्मोनल बदलाव होते हैं
जिसकी वजह से पैरों में सूजन, पीठ में दर्द, वजन बढ़ने जैसी समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है। अगर फीमेल नॉर्मल डिलीवरी चाहती हैं तो ये आसन उनके लिए काफी बेनिफिशियल हो सकते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी या फिर वीडियो से कोई भी टिप्स मिली होगी, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।